आपके सहयोग से, आपके साथ से मैनपुरी को भारी मतों से जीत ही रहे हैं। जीत रहे हैं कि नहीं जीतते हैं? कन्नौज या मैनपुरी? कन्नौज या मैनपुरी? तो मैं कहती हूँ कि अब इसको क्या कहते हैं, त्रिवाचा हो गया कि नहीं हो गया? तीसरे चरण में मैनपुरी की लोकसभा सीट पर होने वाले चुनाव के लिए दोनों ही पार्टियों ने जान झोंक दी है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी में बड़ा रोड शो किया जिसमें भयंकर भीड़ दिखी, लेकिन इसके बाद मंगलवार को डिंपल यादव ने अपने समर्थन में एक रोड शो निकाला और मैनपुरी की सड़कें जो है लोगों से पटी दिखाई दी। ये तस्वीरें हैं रविवार देर शाम की, जहां पर मैनपुरी में डिंपल यादव का रोड शो निकला जिसमें अखिलेश यादव खुद मौजूद रहे। इस दौरान डिंपल यादव ने लोगों का अभिवादन किया और हर तरीके का हर वर्ग के लोग यहां पर सड़क किनारे डिंपल यादव की एक झलक देखने के लिए खड़े नजर आए। इतना ही नहीं, मैनपुरी में डिंपल यादव ने रोड शो के पहले सभा को संबोधित किया जिसमें उन्होंने बेरोजगारों की बात तो कही ही कही, इसके साथ ही दबाव की राजनीति पर तीखा हमला किया। डिंपल यादव ने कहा कि ये जो सरकार है वो दबाव की राजनीति कर रही है, चाहे फिर पंजाब हो, गुजरात हो या फिर जिला पंचायत के चुनाव। आपने देखा होगा कि सरकार ने किस तरीके से लोगों पर, हमारे नेताओं पर दबाव बनाए हैं। जहां युवाओं के पास कोई रोजगार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, और नौकरियों का तो हाल हम सभी जान ही रहे हैं कि किस तरह पेपर लीक करा के बार बार उत्तर प्रदेश में नौकरियों को निरस्त कर दिया जाता है, और कहीं ना कहीं यह एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है, क्योंकि आप सब अगर नौकरी पा जाएंगे तो कहीं ना कहीं आरक्षण को भी लागू करना पड़ेगा। तो यह सरकार जो संविधान के खिलाफ है और लगातार जो लोकतंत्र के खिलाफ काम करती रही है, हमने देखा है कि पूरे देश में किस तरह दबाव की राजनीति का प्रयोग हो रहा है। जहां बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों को अपने जेल में डालने का काम किया है, वहीं प्रदेश में, जिले में और गांव-गांव तक आप कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति का प्रयोग कर रहे हैं। आपने जिस तरह मेयर के चुनाव में पंजाब में धांधली करी, उसी तरह आपने मैनपुरी में भी हमारे मेयर के चुनाव के प्रत्याशी सुमन वर्मा जी को हराया। हमारे अरुण गुप्ता जी को हराया और दीक्षित जी को भी आपने हराया। और यही नहीं, आपने सम्मानजनक व्यवहार भी नहीं किया हमारे प्रत्याशियों के साथ। तो कहीं ना कहीं जहां आपने वोट की लूट करी, वहीं ना कहीं ना कहीं जहां आप सबने वोट की लूट करी और अपने लोगों को जिताने का जो काम किया है, तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की हत्या भी है। क्योंकि लोकतंत्र में हम सबको अधिकार है कि हम अपने प्रतिनिधि को चुने, लेकिन आपने जो कार्य किया है और जो आप कार्य कर रहे हैं, जो दबाव की राजनीति का प्रयोग आप सभी समाज और सभी वर्गों पे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यह दबाव की राजनीति को खत्म करने का भी अवसर हम सबके हाथों में है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी समाज, सभी वर्ग इस बार एक साथ आएंगे और ऐसी सरकार को हटाएंगे जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र और संविधान की हत्या कर रही है। अब सवाल, आज हमें राशन के नाम पे क्या मिल रहा है? अगर हम देखेंगे तो आज खाली ये लोग राशन के नाम पे बाजरा दे रहे हैं, और अगर हम 10 साल पहले का आकलन करेंगे तो हम सबको यह महसूस होगा कि आज से 10 साल पहले जहां चावल, आटा, मिट्टी का तेल और चीनी भी मिलती थी, आज हमें केवल बाजरा मिल रहा है। तो ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने आपके राशन में भी भ्रष्टाचार किया है,
और राशन में भी लूट मचाने का काम किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह चुनाव जहां मैनपुरी का हम सब जीत रहे हैं, लेकिन अब लड़ाई है कि हम कितना वोट बढ़ा ले जाएं, हम बूथ में अपना वोट कैसे पहुंचा ले जाएं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपके सहयोग से, आपके साथ से मैनपुरी का भारी मतों से जीत ही रहे हैं। जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं? जैसा हमारे पूर्व विधायक जीत ने कहा कि कन्नौज ज्यादा वोटों से जिताएंगे या मैनपुरी, कन्नौज या मैनपुरी, कन्नौज या मैनपुरी। तो मैं कहती हूँ कि अब इसको क्या कहते हैं, त्रिवाचा, त्रिवाचा हो गया कि नहीं हो गया। और बहुत पुरानी कहावत है कि प्राण जाए देश की, लेकिन देश की बहुत पुरानी कहावत है कि प्राण जाए लेकिन वचन। तो मुझे पूरा भरोसा है जो सहयोग, जो साथ और समर्थन आप सब ने समाजवादी पार्टी का करा है और मेरा भी करा है, मैं आपकी को धन्यवाद देती हूँ। फिलहाल 7 मई को मैनपुरी में चुनाव है और आज 5 मई को शाम के वक्त चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि क्या समाजवादी पार्टी अपना सबसे पुराना मजबूत किला मैनपुरी बचा पाएगी, क्या मुलायम सिंह यादव की बहू मुलायम सिंह यादव की विरासत को संभाल पाएंगी, या फिर मैनपुरी में भाजपा प्रत्याशी कोई नया